हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। एंड काफ़ी लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं। जी हाँ, बट अब उम्मीद करते हैं जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। एंड आज जिस वीडियो के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो आपने थंबनेल में तो देख लिया, अपनी लाइफ का फर्स्ट एक्शन कैम। एंड काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमें एक प्रोडक्ट जो कि फाइनली आ गया, रिसीव हो गया है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एंड हम बात करेंगे इस बारे में भी कि वाई नॉट GoPro, क्योंकि GoPro एक ऐसी चीज़ है जो डेफिनेटली सबके माइंड में पहली बारी में क्लिक करता है अगर वो एक्शन कैम लेने जाता है। बट दिस इज DJI एक्शन 3 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, कुछ ही टाइम हुआ है, एंड इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में भी थोड़ी R&D की जाए, एंड वहीं से मुझे थोड़ा सा क्लिक किया कि दिस कैन बी अ गुड प्रोडक्ट ओवर GoPro। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए एज अ फर्स्ट एक्शन कैम ऑफ माई लाइफ। तो पूरा अच्छे से हम थॉरली इसको रिव्यू करेंगे एंड देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करके क्या इसके अंदर मिलता है, उसके बाद उसकी कैमरा क्वालिटी टेस्ट करते हैं कुछ। आई होप जिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने मंगाया वो सारी फुलफिल इसमें हो जाएंगी। तो मैंने मंगाया है ये एडवेंचर कॉम्बो बॉक्स, इसके अंदर एक स्टैंडर्ड कॉम्बो बॉक्स भी आता है एंड ये एडवेंचर है, इसमें कुछ एक्सेसरीज एक्स्ट्रा मिलती है, थोड़ा सा कॉस्टली आता है, बट डेफिनेटली अभी फिलहाल इसको लेने में ज़्यादा फायदा था क्योंकि चीज़ें हमें सारी चाहिए होती हैं, तो क्यों ना एक बारी में मिल जाए, क्योंकि GoPro में ये सब नहीं मिलता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिला। सो गाइस, ये हमारी यूनिट DJI Osmo 3, जी हाँ हमारा एक्शन कैम जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। एंड ये एडवेंचर कॉम्बो पैक है जैसे मैंने अभी आपको बताया, और इसके अंदर क्या क्या मिलता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एंड इसके साथ मैंने मंगाया है ये सैंडिस्क का एक एक्सट्रीम मेमोरी कार्ड, जो कि नॉर्मल मेमोरी कार्ड से थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, क्योंकि किसी भी एक्शन कैम के लिए ये मैंडेटरी। अगर गाइस पहली बार कोई एक्शन कैम ले रहे हैं तो याद रखिएगा उसमें नॉर्मल मेमोरी कार्ड नहीं चलता है, उसके लिए आपको अगर DJI का ले रहे हैं तो ये वाला जो मेमोरी कार्ड है ये रिकमेंडेड है बाय कंपनी, एंड मैंने रिसर्च किया है। इसके अलावा सैमसंग का भी आता है, बट दिस वन इज बेटर। देखते हैं एंड अपना ये बॉक्स जो है जादू का पिटारा है, इसे खोल के देखते हैं। ऑल्दो मैंने ये खोला हुआ है क्योंकि भाई मैंने ऑनलाइन मंगाया था तो रिस्क मैं ले नहीं सकता था, तो मैंने ये पहले खोल के देख लिया था इसमें क्या सामान है या नहीं है। एंड इसके साथ हमें मिलती है ये जो मेन यूनिट है हमारा जो कैमरा है, एंड इसके साथ ये बैटरी केस मिलता है, एंड इसके साथ कुछ एक्सेसरीज मिलती हैं जो ये हमारे एक्शन कैम के साथ काफ़ी यूज़ होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो यूनिट है इसकी, इस यूनिट के बारे में, तो भाई ये कुछ ऐसा दिखता है। एंड इसमें आगे भी टच स्क्रीन है एंड पीछे भी टच स्क्रीन है। सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि जो GoPro में नहीं मिलती है आपको, जो आगे इसकी स्क्रीन आती है वो टच स्क्रीन नहीं होती है एंड सिर्फ उसमें पीछे पीछे रहता है। हेल्प मिल जाती है जो कमांड आप आगे से देते हैं। तो अभी मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, इसके साथ जो आती है जैसे आप इसे ओपन करेंगे बैटरी लगा के, इसके अंदर एक स्कैनर है, उसके साथ आपको ऐप जो है एक डाउनलोड करनी पड़ेगी, उस ऐप के साथ ये कनेक्ट होता है एंड फिर चला के। एंड ये है इसका मोस्ट अमेजिंग फीचर, इसके अंदर मिलती है हमें 3 बैटरीज, जो कि एक तो इसमें लग जाएगी बट 2 आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा रहेंगी, ताकि आप अगर शूट कर रहे हैं एंड बैटरी अगर ड्रेन कर जाती है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। एंड ये चार्जेबल केस है, ये अपने आप बैटरी को चार्ज कर लेता है। एंड इसमें यहाँ पे टाइप सी का चार्जर दिया हुआ है, जो कि आप इसको भी चार्ज कर सकते हैं जब ये खत्म होता है आपको नजर आए। एंड सबसे बेस्ट चीज़ है कि ये आपको सिग्नल कर देगा, भाई देखो इसमें बैटरी फुल है एंड ये थोड़ा सा यूज़ हो रखी है तो इसमें बैटरी इस टाइम फिलहाल कम है, तो इस हिसाब से आपको इंडिकेशन मिलते रहते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है क्योंकि एक्शन कैम की बैटरीज जो हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं। ऑल्दो इसकी 2 घंटे की बताई है, बट मैं फिर भी मान के चलता हूँ अगर 1 घंटे की 2-1.5 घंटे की भी होगी, तब भी अगर आपके पास 3 बैटरीज हैं तो 3-4 घंटे का आपके पास बैटरी बैकअप है, जो कि एक मोर देन इनफ होता है अगर आप एक वन टाइम शूट के लिए जा रहे हैं कहीं बाहर। सो गाइस, मैंने इसमें बैटरी इसकी डाल दी है एंड यहाँ पे इसका पावर ऑन ऑफ बटन है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसे ऑन हो जाता है एंड अभी आपको मैं दिखाई दे रहा शायद इसके अंदर। एंड इसी तरह से इसमें सामने भी एक स्क्रीन है जो कि आपको दिख रही है, ये भी टच स्क्रीन है, तो इसका भी काफ़ी फ़ायदा है कि अगर आप सामने से ब्लॉग वगैरह को शूट कर रहे हैं तो आप सामने से ही अपना ऑपरेट कर सकते हैं सारे फंक्शंस को, उसके लिए आपको स्क्रीन को बार बार रोटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें 2.7K के अंदर भी शूट हो जाता है एंड 4K के अंदर भी शूट हो जाता है। एंड देखते हैं तो इसके अंदर जो 4K की रेजोल्यूशन अगर आप उसमें शूट करते हैं तो आपको 120 फ्रेम पर सेकेंड के अंदर भी आप शूट कर सकते हैं। ऑल्दो 60 फ्रेम पर सेकेंड, 50 फ्रेम सेकेंड के ऊपर अगर आप शूट करते हैं तो मोर देन एनफ होता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर दिया हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है ये हैंडी हो जाता है प्रोडक्ट। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज जैसे ही हम इसको अगर इस तरह से यूज़ करना चाहें, तो इस तरह से अगर रील वगैरह शूट करते हैं लोग तो वो इस तरह से भी इसको शूट कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ऑटो रोटेट हो जाता है एंड दोनों तरह की वीडियोज़ की रेजोल्यूशन ये अपने आप से सेट कर लेता है एंड उसमें आपको एडजस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो जिस तरह की भी वीडियोज़ आप बनाना चाहें इसके थ्रू आप बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ये इसका एक लेंस कवर है जो इसके साथ मिलता है, ये एडिशनल है। ऑल्दो एक कैमरे के ऊपर अभी आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है, बट इसके अलावा भी एक इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है जो कि एक अच्छी चीज़ होती है। एंड ये एक केस है जो आपको मिलता है, ये कार माउंट है जो कार में आप लगा सकते हैं इसके साथ। एंड ये एक केस है जो आपको इनके साथ ही मिलता है, जिसमें आप इसके थ्रू आप किसी भी ट्राइपॉड वगैरह के साथ इसे सेट कर सकते हैं,
तो ये भी काफ़ी अच्छा माउंट है। इसके अंदर आप अगर माइक वगैरह लगा सकते हैं, वो भी सारे ऑप्शंस इसके अंदर दिए हैं। एंड इसका एक बहुत ही कूल फीचर ये है कि आपको भी मैं दिखाता हूँ, इसमें मैग्नेटिक क्लैंप्स दिए हुए हैं जो कि इस कैमरे के साथ जाके सीधा अटैच हो जाते हैं। आपको कुछ एडजस्ट नहीं करना, आपको सिर्फ इसको जाके यहाँ पे टच कराना है और ये ऑटोमेटिक इसके साथ अटैच हो जाएगा। एंड ये यहाँ पे इसमें क्लिप्स दिए हैं, अगर इसको दबाएंगे एंड जोर से खींचेंगे तो ये बाहर भी आ जाता है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ऊपर इस कैमरे के ऊपर कुछ नहीं दिया है, बट जब हम इस माउंट के ऊपर इसको लगा लेंगे कैमरे को, तो यहाँ पे इसके साथ जो है ये सेम अटैचमेंट को यूज़ करने का एक ऑप्शन दिया है, ताकि आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकें रादर देन इस तरह से यूज़ करने का है। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि मुझे लगता है काफ़ी यूज़फुल होती है जब आप कभी कोई वीडियो या रील वगैरह शूट करते हैं, वो होता है एक लंबी मोनोपॉड टाइप स्टिक। तो गाइज जैसा आपने देखा होगा, Insta360 एक कैमरा होता है, उसके अंदर जो एक मोनोपॉड आता है कह सकते हो, या स्टिक आती है, वो उस तरह की क्वालिटी की एक स्टिक जो है DJI ने हमें यहाँ प्रोवाइड कराई है। एंड इसका काफ़ी लंबी लेंथ है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी, मतलब आप इसके साथ जो है तो इस पे आप माउंट करके काफ़ी अच्छी वीडियोज़ वगैरह शूट कर सकते हैं। तो आपको क्वालिटी वाइज तो आपको चीज़ अच्छी मिल ही रही है, एंड आपको ये भी है कि आपको इसको बाहर से भी नहीं परचेज़ करना। ऑनलाइन अगर आप इसकी वीडियोस के रिव्यूज़ देखेंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको कोई ना कोई रिव्यू ऐसा मिल जाए जिसमें आपको इसके फोकस इशू के बारे में बात किया होगा। तो फोकस इशू के बारे में अगर मैं आपको बात करूँ, तो फोकस इशू का जो सोल्यूशन है वो है ये। अगर आपके पास ये कैमरा है और आप फोकस इशू फेस कर रहे हैं, तो गाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपना मेमोरी कार्ड जो है चेंज करके देखिए, डेफिनेटली आपको फ़र्क मिल जाएगा कि उसी से ही जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो नॉर्मल में क्या है, जो नॉर्मल मेमोरी कार्ड है उसमें अगर आप यूज़ करते हैं, तो आपको जो रीड राइट स्पीड है वो बिल्कुल इस कैमरे के साथ मैच नहीं करती है, जिसकी वजह से जो वीडियोज़ को अपलोड करने में, जो मेमोरी कार्ड में कॉपी करने में जो टाइमिंग है उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से कैमरे में फोकस इशू आ रहा है। इसको यूज़ करने से आपकी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है। ये तो था बॉक्स के अंदर क्या क्या है, आप चलो देखते हैं इसकी आउटडोर परफॉर्मेंस कैसी है एंड किस तरह से वीडियोज़ रिकॉर्ड करता है। चलो इसे बाहर लेके चलते हैं। सो गाइस अभी मैं आपको ना इस पे 2.7 30 फ्रेम पर सेकंड पे एक शॉट लेके दिखाता हूँ, आप उससे अंदाज़ा लगाना इसकी स्टेबिलिटी किस तरह की है। एंड इसमें चेक भी करना, थोड़ा सा हवा चल रही है, आवाज़ किस तरह की है, क्योंकि तो अभी मैंने भी नहीं देखी है। से मेरे फेस पे थोड़ा धूप पड़ रही है, अब देख पा रहे होंगे। एंड अभी मैं वीडियो जो शूट कर रहा हूँ ये 2.7 और 30 फ्रेम पर सेकंड पे कर रहा हूँ, एंड इससे आप देख सकते हो जो कैमरे की है अपनी इनबिल्ट, इसमें मैंने कोई एडिशनल माइक वगैरह कुछ ऐड नहीं किया हुआ है। ऑडियो क्वालिटी के लिए ये थोड़ा सा बेटर है आप देखोगे GoPro से। तो चलो अभी देखते हैं इसे 4K के अंदर कैसी वीडियो शूट करता है ये, एंड थोड़े सिनेमैटिक्स लेते हैं 4K के अंदर, ताकि उसे थोड़ा ज़्यादा अच्छा आइडिया लगे। तो चलो एक चीज़ करके देखते हैं, अभी भाग के देखते हैं, क्योंकि स्टेबलाइजेशन का आइडिया उसी से लगेगा। ऑल तो मैंने इसे हाथ में ही पकड़ा हुआ है बस, तो फिर भी लेकिन अभी अंदाज़ा लग जाएगा इसको, अगर हम लेके भागते हैं तो स्टेबलाइजेशन इसकी किस तरह की है। तो चलो उस बेंच के ऊपर से निकलते हैं। पार्ट है, अगर आपको डेली व्लॉगिंग करनी है तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब बहुत ही यूज़फुल है। अभी आप देख सकते हो मेरे सूरज जो है मेरे पीछे है, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ब्राइटनेस किस तरह की दे रहा है अगर सूरज पीछे रहता है एंड अगर सूरज आगे रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर डेली व्लॉगिंग करने के लिए आपको कैमरा चाहिए कोई एक्शन कैमरा, तो ये बेस्ट कैमरा है। तो गाइस आई होप आपको इस कैमरे की परफॉर्मेंस अच्छी लगी होगी, एंड डेफिनेटली अगर आपको ये कैमरा पसंद आया है एंड आप इसे लेने की सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से GoPro के ऊपर आप इसको
चूज़ कर सकते हैं, बट ये फिर इंडिविजुअल की चॉइस भी होती है कि आपको कौन से ब्रांड के साथ जाना है। बट येस, मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी है एंड मुझे काफ़ी पसंद आया ये प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने यूज़ किया, काफ़ी दिन से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो अलग अलग जगह पे जा जा के मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी क्लिप्स लिए जाए अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से। एंड नॉइज़ भी आप देख सकते हैं, आज बहुत हवा चल रही है इनफैक्ट, और उसी हिसाब से आप देखें तो इसमें नॉइज़ जो है काफ़ी कम आती है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जब आप आउटडोर्स में शूट करते हैं। तो मेरे हिसाब से गुड टू गो कैमरा है, अगर आप इसे अपने अपने हेलमेट पे माउंट करना चाहें या आप इसे डेली व्लॉग के लिए यूज़ करना चाहें तो आप इसे यूज़ कर सकते। तो कैमरे का रिव्यू तो हो गया गाइस, एंड इसको लेके चलेंगे आप किसी एक ट्रिप के ऊपर एंड वहाँ पे इसको फुल फ्लेज यूज़ करके देखेंगे एंड वहाँ पता चलेगा इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की रहती है। इसलिए बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे, तो चैनल पे बने रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।